आदिपुरुष रिलीजिंग डेट को लेकर भैया इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया में अफरा तफरी मची थी ना, ये सभी को पता है, मुझे किसी को ही बताने की ज़रूरत नहीं है। पर भाई हम सभी का इंतज़ार अब हो चुका है ख़त्म, क्योंकि भैया मूवी मेकर्स ने इसकी रिलीजिंग डेट अनाउंसमेंट कर दी है। तो मूवी रिलीज होने वाली है 16 जून 2023 को। तो यार मुझे पक्का यकीन है कि आपको मेरी ये बात सुनने के बाद यकीन नहीं हुआ होगा। तो यार इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा और कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे भर भर के प्यार देने वाले हो। मुझे ये यकीन नहीं, मुझे विश्वास है। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मूवी के बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक, ताकि आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और दूसरे पार्ट में मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा जो मैंने अभी हाल ही में बताया था, जो कि भैया मूवी आने वाली है 16 जून 2023 को। और हमारे लास्ट और एंडिंग पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर यार मैं आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ, तो यार बदले में भी आपको कुछ देना बनता ही है ना। तो यार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट सेक्शन में बहुत सारा प्यार देना यार। चलो तो इस वीडियो को अब मैं फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यार जैसा कि हम सभी को पता है मूवी को है ना 2022 में ही रिलीज हो जानी चाहिए थी। इसकी फर्स्ट रिलीजिंग डेट थी 11 अगस्त 2022, जो कि भैया ये सबसे पहली इसकी रिलीजिंग डेट थी, पर उस दिन किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई। उसके बाद सेकेंड रिलीजिंग डेट इसकी थी भैया जनवरी 2023, और इस दिन क्यों नहीं रिलीज हो पाई वो हम सभी को पता है। भाई इस मूवी ने टीजर छोड़ा था अपनी मूवी का, जिसे भैया लोगों ने बिल्कुल नापसंद करा था। बहुत गंदे तरीके से पिट गई थी ये टीजर, जिसकी वजह से इस टीजर का इफेक्ट मूवी पर भी हुआ था और फिर मूवी हो गई पोस्टपोन। और मूवी पोस्टपोन क्यों हुई, क्योंकि भैया मूवी के टीजर में इतनी सारी गलतियां थी ना जिसे ऑडियंस ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, और भैया झक मार के इस मूवी को पोस्टपोन करना पड़ा। और मूवी को पोस्टपोन करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि भैया मूवी के टीजर में सबसे ज्यादा गलतियां थी, और आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि भैया जब टीजर में इतनी सारी गलतियां हैं तो मूवी में कितनी सारी गलतियां होंगी। और फिर मूवी में होने लगे चेंजेस, और चेंजेस करने के लिए लगे भाई फिर पैसे, और पैसे दिए गए हमारे भूषण कुमार सर जी ने। और फाइनली फिर तीसरी बार में इस मूवी की अनाउंसमेंट करी गई 16 जून 2023 को। और बताया जा रहा है कि भैया इसका सेकंड टीजर बहुत ही ज्यादा जांच परख के बना गया है अपने पुराने टीजर को देख के, क्योंकि भैया इसमें आप गलती नहीं निकाल सकते ऐसा कहा जा रहा है। पर आपने एक चीज नोटिस नहीं करी होगी कि भैया हमारी जवान भी 2 जून को रिलीज होने वाली है, और जब ये हमारी आदि पुरुष रिलीज होगी 16 जून को, तब भैया हमारी जवान मूवी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही होगी। पर हम सभी को यह भी पता है कि आदि पुरुष का बहुत ज्यादा क्रेज है, और हमारे प्रभास भैया का भी जलवा कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा तहलका मचाते हैं। और भैया उस टाइम पर ये मूवी भी बहुत ज्यादा तहलका मचाएगी। तो पता नहीं बॉक्स ऑफिस की बैंड बजने वाली है, या फिर ये मूवी चलेगी या फिर नहीं चलेगी। यार मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप सभी बिना झिझके जरूर बताना, क्योंकि इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है हम सभी के लिए। क्योंकि भैया एक ही महीने में यानी कि जून के महीने में 2 त्योहार आ रहे हैं, जो कि भैया पहला है 2 जून को हमारी जवान और 16 जून को हमारी आदि पुरुष। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ मूवी के एक्टर्स के नाम कि भैया कौन रोल कर रहा है किस चीज का। तो भैया देखो हम सभी को पता है हमारे श्री राम का रोल कर रहे हैं प्रभास भैया, और हमारे रावण जी का रोल कर रहे हैं सैफ अली खान, हमारे श्री राम के प्रिय भ्राता यानी कि लक्ष्मण जी का रोल कर रहे हैं सनी सिंह, और हमारी सबकी माता यानी कि सीता माता का रोल कर रही है कृति स्नेन। और अब आते हैं हम सभी के फेवरेट भैया महाबली हनुमान, यानी कि भैया हनुमान जी का रोल कर रहे हैं देवदत्त गजानन नागे। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई भैया पूरी A to Z मूवी से रिलेटेड, जिसे भैया आप दूसरी वीडियो में भी जाके देखोगे ना तो वो भी यही सब आपको बताएंगे। तो आपको अब किसी और दूसरी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है। और अब मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि भैया ये मूवी 16 जून 2023 को ही रिलीज होने वाली है। तो लौंडो सबसे पहला प्रूफ है मेरा ये कि भैया टी सीरीज ने अपने ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट में ये अभी हाल ही में एक ट्वीट करके फोटो भी सेंड करी है कि भैया ये मूवी रिलीज होने वाली, यानी कि आदि पुरुष रिलीज होने वाली 16 जून को। और सेकंड प्रूफ मेरे पास ये है कि भैया इसी ट्विटर अकाउंट में अनाउंसमेंट के बाद फिर नीचे फोटो भी दी गई है, जिसमें हमारे मूवी के निर्देशक ओम राउत और भैया भूषण कुमार सर जी खड़े हुए हैं। और अब बारी है मूवी के तीसरे पार्ट में स्विच ओवर करने की, क्योंकि भैया मूवी से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये मुझे मिली हैं कि मूवी 2D और 3D दोनों में आपको मिल जाएगी। तो मूवी का मजा दुगना नहीं तिगना होने वाला है, और तो और इसी हफ्ते या फिर इसी महीने आपको इस मूवी का ट्रेलर या फिर टीजर देखने को मिलेगा, वरना फिर अभी आने वाले तीसरे हफ्ते में तो आपको पक्का मूवी का टीजर या ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। तो अब आपकी बारी भाई, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आपको रोज मिले। और कमेंट सेक्शन में बहुत सारा प्यार देना मत भूलना, और एक बार दिल से आदि पुरुष जरूर लिखना। अगर आप जवान को वोट कर रहे हो तो भैया आप जवान लिखना, और अगर आप आदि पुरुष के फैन हो तो आप आदि पुरुष लिखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे।